तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ट्रैकर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में ये जो मैंने एसएसडी खरीदा था पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लो, इसका लिंक कहीं यहाँ कहीं अपेयर करेगा। तो ये सैमसंग का 980 एसएसडी है जो मैंने परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। सो इस वीडियो में मैं इस एसएसडी को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगा। ये मेरा लैपटॉप है लेनोवो S145 और ये राइजन वाला वेरिएंट है, Ryzen 3। सो इसमें ऑलरेडी 1 TB का हार्ड डिस्क आता है, तो इसके साथ मैं इस SSD को इंस्टॉल करूँगा। सो देखते हैं, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे ये स्क्रूज को पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। फिलहाल मैं तो इससे ओपन करूँगा क्योंकि मैं अभी उतना बड़ा यूट्यूबर बना नहीं हूँ कि मैं इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर जो आते हैं मैं उसको परचेस कर पाऊँ। सो थोड़ा पेशेंस है। तो ये रहा गाइस, इसका पैनल बाहर आ चुका है। सो ये है इसके इंटरनल्स, तो इंटरनल ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट दिस इज द व्यू। देख लीजिए, और ये जो एसएसडी है ये लगेगा हमारे यहाँ पे जी SSD फिट हो जाएगा यहाँ पे। एक्चुअली स्क्रू रहता नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो स्क्रू है यहाँ पे रहता नहीं है, बट मैंने अपने लैपटॉप से ओपन करके यहाँ इसको एक्स्ट्रा में निकाल के रखा था लगाने के लिए, खोला जाए। ये 1 TB का हार्ड डिस्क और ये गया हमारा SSD यहाँ पर। बस हमें यहाँ पे पुश करना है थोड़ा सा, और ये जो स्क्रू है यहाँ लगा देना। तो मैं इसको ढीला कर देते हैं बिकॉज मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इसको पुश कर रहा है। मैं देख लेते हैं कंफर्म करके। हाँ, ये इसके ऊपर ही बैठेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं इसको बिकॉज ये यहाँ जो लगा हुआ है फिर यहाँ पे ये इसमें टच हो रहा है। अगर आपके जैसे मॉडल है S145 तो फोकस करना। हाँ ठीक है, तो यहाँ जो एक प्लास्टिक है जो आपको दिख रहा है ये आपको ज़्यादा टाइट कर दोगे ना तो फिर ये इसको पुश करेगा यहाँ, जो मेरे ख्याल से इसके लिए ठीक नहीं होगा। वैसे ही अभी बेंड तो हुआ नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस पर, वैसे रहने देते हैं। बस ये है इसको प्लेस में सिक्योर करने के लिए और कुछ नहीं। सैमसंग को इसका स्क्रू देना चाहिए था बट कोई बात नहीं, हो भैया बहुत धुल जाएंगे, ठीक है। सो बस इसको यहाँ लगा दीजिए और क्या, इसको अब कवर लगा देते हैं यहाँ पर। बस इसके बाद अब इसका कवर लगा दीजिए।
और यू आर डन विद द वीडियो, और तो इसमें कुछ करना है नहीं वैसे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड सजेशन फील फ्री टू कमेंट। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड टाटा बाय बाय।